Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And in the series of discussing topics over philosophy and education, this time I am going to discuss philosophy and education, their interrelationship, or you can say the relationship between philosophy and education. It is an interesting topic and frequently asked question in the examination. So go through it. And do subscribe my channel too. First of all, हम बात करने जा रहे हैं किसकी, शिक्षा और दर्शन, उनकी आपस में क्या एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भरता है, क्या पारस्परिक अंतर संबंध है. पूछा जाता है कि डिस्कस शॉर्ट नोट्स ओवर रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, यानी कि आप वो संबंध अंतर संबंध बताइए जो कि दर्शन और शिक्षा के बीच में है, या आप कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र कैसे एक दूसरे से संबंधित है. तो philosophy and education are closely interrelated and interdependent. आप कह सकते हैं कि जो दर्शन है और जो शिक्षा है, मतलब discipline के रूप में, वो दोनों एक दूसरे से बहुत closely जुड़े हुए, आपस में एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. philosophy points out the ways and education follow it. philosophy क्या करती है, रास्ता बताती है, तरीके बताती है, और शिक्षा क्या करती है, उसका अनुकरण करती है. without philosophy education would be a blind effort. दर्शन के बिना शिक्षा क्या है, एक ब्लाइंड एफर्ट है, हमें पता ही नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं पर हमको पता ही नहीं है किस दिशा में जाना है, क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए. एंड विदाउट एजुकेशन फिलोसफी वुड बी क्रिपल्ड. और शिक्षा के बिना फिलोसफी एकदम बर्बाद है, बेकार है, कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि वो जो बोलेगी, वो जो कहेगी, उसको करने वाला कोई नहीं. इन द वर्ड्स ऑफ रॉस, तो रॉस के शब्दों में अगर हम देखें तो फिलोसफी एंड एजुकेशन आर इंटर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. फॉर्मर इज द कंटेम्पलेटिव साइड व्हाइल द लेटर इज द एक्टिव. आप कह सकते हैं कि शिक्षा शास्त्र और दर्शन शास्त्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. जो पहला है, पहला मतलब फिलोसफी जो है वो कंटेम्पलेटिव साइड है, जबकि दूसरा है जो एक्टिव साइड है. मतलब आप कह सकते हैं कि फिलोसफी हमको बताता है, दर्शन देता है, गाइडेंस देता है, लेकिन वो स्थिर है, वो अपनी जगह से कुछ कर नहीं रहा है. लेकिन करने वाला कौन है, शिक्षा. तो शिक्षा एक्टिव साइड है, तो दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होंगे ना. शिक्षा इसलिए फिलोसफी पे डिपेंडेंट है क्योंकि करेगी तो वो, लेकिन बताएगी फिलोसफी. और फिलोसफी इसलिए एजुकेशन पर इंटर डिपेंडेंट है क्योंकि फिलोसफी को पता तो है कि करना क्या है, लेकिन एक्चुअली वो करती नहीं, वो सिर्फ गाइड करती है, तो इसलिए वो एजुकेशन पर निर्भर है. ऑल एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आर क्वेश्चंस ऑफ फिलोसफी. आप कह सकते हैं कि जितनी भी शैक्षिक समस्याएं हैं वो फिलोसफी के प्रश्न हैं, मतलब उनके उत्तर हमको फिलोसफी से मिलते हैं. दैट द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल इश्यूज इज रिगार्डेड एज एजुकेशनल फिलोसफी. जैसे कि हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी के बारे में जानते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं, उसी तरह से शैक्षिक दर्शन क्या है, जितनी भी शैक्षिक समस्याएं हैं वो फिलोसफी के प्रश्न हैं. फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन से हम एजुकेशनल इश्यूज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, वही एजुकेशनल फिलोसफी. यानी कि शैक्षिक दर्शन क्या है, दर्शन के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग. ऐसे ही एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है. इट इज द एप्लीकेशन ऑफ जनरल फिलोसॉफिकल पोजीशंस टू एजुकेशनल प्रॉब्लम्स इज नोन एज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन. यानी कि शैक्षिक दर्शन क्या है, शिक्षा का दर्शन क्या है, कि जनरल फिलोसॉफिकल जो हमारी पोजीशंस हैं उनको हम शैक्षिक समस्याओं में उनका एप्लीकेशन ढूंढते हैं, जानते हैं, उपयोग करते हैं. और तो हम दो तरीके से इसको पढ़ेंगे, डिपेंडेंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलोसफी, यानी शिक्षा फिलोसफी पर क्यों क्यों निर्भर है, कैसे कैसे निर्भर है, और डिपेंडेंस ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशन, और दर्शन शिक्षा पर किस प्रकार निर्भर है, या कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो निर्भर करता है. तो फिलोसफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड्स विच एजुकेशन हैज टू गो. यानी कि शिक्षा दर्शन पर किस प्रकार से निर्भर है, कि दर्शन शास्त्र हमको बताता है कि शिक्षा को किधर जाना है. फिलोसफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन, हमारा गोल क्या है, किस तरफ शिक्षा को जाना है, ये दर्शन शास्त्र बताता है. तो फिलोसफी रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम ऑफ थॉट, हमको एक विचारों का निकाय देती है फिलोसफी, उसका रिप्रेजेंटेशन करती है. और एजुकेशन इम्ब्रेसेस दैट थॉट इन द कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और जो शिक्षा है वो उसी थॉट को अपनाते हुए इंस्ट्रक्शन देती है. फिर फिलोसफी डिटरमाइंस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, जितने भी शिक्षा के एस्पेक्ट हैं उन सभी को फिलोसफी ही सुनिश्चित करती है. जैसे एम ऑफ लाइफ, एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, दर्शन बताता है. एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन हैज अ फिलोसॉफिकल बेस. आप शिक्षा का कोई भी पक्ष लेके चलिए, उसका जो बेस हमको दर्शन से मिलता है. जैसे कि देयर इज नो एस्पेक्ट ऑफ, और शिक्षा के एस्पेक्ट हैं क्या, एम्स,
उद्देश्य क्या होना चाहिए, करिकुलम पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, मेथड किस विधि से आपको पढ़ाया जाएगा, टेक्स्ट बुक्स में क्या आएगा, कंटेंट कैसे लिखी जाएंगी टेक्स्ट बुक, किसको आप एक अच्छी टेक्स्ट बुक कहेंगे, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए क्लास में, टीचर का क्या रोल होना चाहिए, ये सब शिक्षा के एस्पेक्ट है और ये सब डिटरमाइन होते हैं फिलोसफी के द्वारा, विच इज इन्फ्लुएंस्ड एंड डिटरमाइंड बाई फिलोसफी. वो कह रहे हैं देयर इज नो एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड डिटरमाइंड बाई फिलोसफी. वो कह रहे हैं शिक्षा का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो कि दर्शन के द्वारा सुनिश्चित ना किया जाता हो या दर्शन से प्रभावित ना हो. इस प्रकार से शिक्षा दर्शन पर निर्भर है. इट इज फिलोसफी विच प्रोवाइड्स एम्स टू एजुकेशन एंड दीज एम्स डिटरमाइन द करिकुलम मेथड्स ऑफ टीचिंग टेक्स्ट बुक रोल ऑफ टीचर इन द स्कूल डिलीवरी. मेन क्या है एम, हमारा एम क्या है, हम क्या चाहते हैं कि शिक्षा के द्वारा हासिल हो जाए, बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं. जैसे ही एम डिसाइड होगा उसी हिसाब से आपका पाठ्यक्रम होगा, उसी हिसाब से क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा, वही टेक्स्ट बुक्स में होगा, शिक्षक वैसे ही पढ़ाएगा और उसी तरीके का अनुशासन हम क्लास में विद्यालय में चाहेंगे. तो चूंकि एम फिलोसफी डिटरमाइन करती है तो सारे एस्पेक्ट फिलोसफी ही डिटरमाइन करती है. ठीक है, अब देख लीजिए कि डिपेंडेंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलोसफी, डिपेंडेंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलोसफी, यानी कि ये क्या था, डिपेंडेंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलोसफी, ये डिपेंडेंस ऑफ, अच्छा ये गलत हो गया, ये होना चाहिए था डिपेंडेंस ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशन, कि दर्शन किस प्रकार से शिक्षा पर निर्भर है. अभी तो शिक्षा दर्शन पर निर्भर थी, अब दर्शन कैसे शिक्षा पर निर्भर है, ये हेडिंग चेंज नहीं हुई है, सॉरी इसको आप सही पढ़िए, डिपेंडेंस ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशन. ग्रेट फिलोसफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट्स टू. वो कह रहे हैं कि जो महान दार्शनिक हुए हैं वो सभी महान शिक्षाविद भी हुए हैं. जैसे कि ग्रेट फिलोसफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट, चाहे आप पश्चिम में देखिए, चाहे पूरब में देखिए, मतलब भारत में देखिए, विदेशों में देखिए, कहीं भी देखिए आप, ऐसा हुआ है. जैसे गांधी, टैगोर, राधा कृष्णन, औरबिंदो, प्लेटो, सोक्रेटिस, लॉके, कमेनियस, रूसो, फ्रोबेल, डीवी, सब जो है वो बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद हुए और सभी दार्शनिक भी थे. तो एक्चुअली आप क्या कह सकते हैं कि अपने दर्शन को ही इन्होंने शिक्षा शास्त्र में लगाया और वहीं से उन्होंने वो विचार दिए शिक्षा को. They reflected their philosophical views in their educational schemes. जो जो उन्होंने अपनी educational scheme बताई है उसमें अपनी ही philosophy उनकी reflect हुई है. जैसे कि सुकरात ने हमको बहुत बड़ा socratic method दिया है teaching में. आपको पता होगा कि idealistic, जब आप idealism पढ़ते हैं तो उसके जो methods होते हैं उसमें socratic method बहुत important है. सुकरात ने दिया है. क्या है ये method? Question answer का method है. कि वो प्रश्न करते हैं, जो शिष्य है वो प्रश्न करते हैं सुकरात से, सुकरात उसका आंसर देते हैं. तो ये एक dialogic method है. तो ये इनकी फिलॉसफी थी, वो उनके एजुकेशनल स्कीम में रिफ्लेक्ट हुई. उसी तरह से प्लेटो अपनी रिपब्लिक में क्या कहते हैं, जो फर्स्ट एजुकेशनल क्लासिक है उसमें वो बताते हैं शिक्षा कैसी होनी चाहिए. उन्होंने बांटा है ना कि ये इसकी शिक्षा होनी चाहिए, फिर इस वर्ग की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, इस वर्ग की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए. आप रिपब्लिक पढ़ें या पढ़ा होगा तो जानते होंगे. रूसो जो कि नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर थे, जो कि प्रकृतिवादी थे, उन्होंने शिक्षा को क्या दिया, वो कह रहे हैं फॉलो नेचर, नेचर को फॉलो करो, या वो कह रहे हैं बैक टू नेचर, वापस जाओ प्रकृति में. वो कह रहे हैं सोसाइटी को छोड़ो, प्रकृति में वापस जाओ. तो इनकी फिलॉसफी क्या थी, प्रकृतिवादी, शिक्षा में दिख रही है. उसी तरह से जॉन डीवी जो थे, उन्होंने एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का बीड़ा उठाया अमेरिका में और प्रैग्मेटिज्म दिया, प्रैग्मेटिक फिलॉसफी दी. उन्होंने कहा वो करो जो काम दे रहा है अभी जीवन में, जीवन के बाद क्या होगा उससे लेना देना अभी आप छोड़िए, अभी आप वो सीखिए, वो जानिए जो जीवित रहते हुए आपको पर्पज सॉल्व करने में हेल्पफुल करे, वो सब सही है. गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन दी. आप जानते हैं कि उस वक्त देश में गरीबी थी, उस वक्त इतना हमारे पास रेवेन्यू नहीं था, पैसा नहीं था कि हम शिक्षकों को पे कर पाए, इसलिए उन्होंने कहा कि आप बच्चे को कोई लोकल क्राफ्ट सिखाइए, फिर उसको बेचिए भी, और उसको बेचने से जो पैसे मिले उससे टीचर की सैलरी पे कर दीजिए, तो बेसिक एजुकेशन निकल के आई है. तो ये सभी फिलोसफर्स थे और उन्होंने अपनी एजुकेशनल स्कीम में अपनी फिलोसफी दिखाई. इसी तरह से रॉस क्या कहते हैं, फर्दर एग्रीमेंट इज नीडेड टू एस्टैब्लिश द फंडामेंटल डिपेंडेंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलोसफी, इट मे बी फाउंड इन द फैक्ट दैट ऑन द होल ग्रेट फिलोसफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट. तो रॉस भी उसी तरह से कहते हैं कि अगर हमको दर्शन की शिक्षा पर निर्भरता देखनी है तो हमको ये देखना होगा कि जितने भी फिलोसफर्स हुए हैं वो सभी ग्रेट एजुकेशनिस्ट भी हुए हैं. यहाँ देखिए सही एडिंग पड़ी है, डिपेंडेंस ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशन. ठीक है, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी. देखिए ये आपकी, मैं ही कंफ्यूज हो गई. ये जो पहली हेडिंग है वो डिपेंडेंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलोसफी है, यानी कि शिक्षा की दर्शन पर निर्भरता. तो उसके तीन पॉइंट्स हैं. पहला है कि फिलोसफी जो है वो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करती है. दूसरा है शिक्षा के सभी एस्पेक्ट फिलोसफी डिटरमाइन करती है. और तीसरा इसी का पॉइंट है, चूंकि ये वो नहीं आ रहा था ना तो मैंने इसका फॉन्ट छोटा कर दिया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई, कि सभी जो महान शिक्षाविद हुए हैं वो सभी ग्रेट फिलोसफर्स भी थे.
या ग्रेट फिलोसोफर, सभी ग्रेट फिलोसोफर सभी महान शिक्षाविद भी हुए हैं। अब आपकी दूसरी हेडिंग आ रही है, डिपेंडेंस ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशन, यानी कि दर्शन किस प्रकार से शिक्षा पर निर्भर है। अभी तो पता चल गया शिक्षा दर्शन पर निर्भर है, क्यों? क्योंकि दर्शन हमको बताता है किधर जाओ, दर्शन हमारे सारे आस्पेक्ट निर्धारित कर रहे हैं, और सभी महान दार्शनिक महान शिक्षाविद भी हुए। इतना समझ में आ गया। अब दर्शन शास्त्र की भी तो निर्भरता है शिक्षा पे, किस तरह से है कि एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी इटसेल्फ कुछ नहीं करती है, फिलोसफी सिर्फ हमको बताती है ऐसा होना चाहिए, ये पढ़ाना चाहिए, ऐसे पढ़ाइए, पर एक्चुअली करता कौन है? शिक्षा करती है। कहाँ करती है? कक्षा कक्ष में करती है। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा शास्त्र जो है वो दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है और फिलोसफी क्या है? स्टैटिक है। तो एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ द आइडियल्स ऑफ लाइफ एंड सिविलाइज्ड अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट द बैलेंस्ड एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। द प्लांट ऑफ एजुकेशन ड्रॉज इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द सॉइल ऑफ फिलोसफी। वो कह रहे हैं कि जो शिक्षा का पौधा है उसको अपना पोषण कहाँ से मिलता है? दर्शन की जमीन से, यानी कि दर्शन हमको नरिशमेंट दे रही है और हम फ्लरिश हो रहे हैं। इट इज द एक्टिव आस्पेक्ट ऑफ फिलोसॉफिकल बिलीफ, द प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ रियलाइजिंग द आइडियल्स ऑफ लाइफ। आइडियल्स ऑफ लाइफ फिलोसफी ने बता दिए, लेकिन उसको अचीव कौन करेगा? शिक्षा करेगी। तो शिक्षा जो है वो दार्शनिक विश्वासों का एक्टिव आस्पेक्ट। उसी तरह से आप कह सकते हैं फिलोसफी इज द थियरी ऑफ एजुकेशन व्हाइल एजुकेशन इज प्रैक्टिकल। वो कह रहे हैं थियरी फिलोसफी है लेकिन उसका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है एजुकेशन। इस तरह से फिलोसफी शिक्षा पर निर्भर करती है। एजुकेशन इज द बेस्ट मीन्स फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ फिलोसफी। शिक्षा ही वो सबसे अच्छा साधन है जो कि फिलोसफी को प्रोपेगेट कर सकता है, फैला रहा है कक्षा कक्षा में। एजुकेशन कैन नॉट इवन बी इमेजिन्ड विदाउट फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स। लाइकवाइज फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स आर लाइफलेस विदाउट द हेल्प ऑफ एजुकेशन। वो कह रहे हैं कि शिक्षा की आप कल्पना भी नहीं कर सकते अगर उसके पास दार्शनिक सिद्धांत ना हो तो। उसी तरह से दार्शनिक सिद्धांत बिना शिक्षा की सहायता के वो जीवन मृत है, लाइफलेस है, कोई उसका प्रोपेगेशन करने वाला नहीं है। उसी तरह से एजुकेशन इज द मीन्स टू अचीव द गोल। शिक्षा ने दर्शन ने बता दिया कि हमको क्या पाना है, गोल क्या होना चाहिए। शिक्षा वो तरीका है जिससे आप उस गोल को प्राप्त करेंगे, इसलिए दर्शन की शिक्षा पर निर्भरता है। फिलोसफी डील्स विद द एंड्स। फिलोसफी ने बता दिया ये चाहिए, शिक्षा मींस होना चाहिए, मैंस हो गया टाइप, कुछ कुछ गलत हो जाता है बीच बीच में। एजुकेशन इज द मींस चाहिए, है ना। तो फिलोसफी क्या है? डील्स विद द एंड्स। एंड में क्या हमको अंतिम लक्ष्य क्या है वो फिलोसफी ने बताया, और शिक्षा जो है वो तरीका है वो जो पहुंचा रही है उस एंड तक। उसी तरह से फिलोसफी गिव्स आइडियल्स वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। हमको मूल्य, हमारे आदर्श, हमारे सिद्धांत फिलोसफी बताती है, और शिक्षा काम करती है उन मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए। तो इन द वर्ड्स ऑफ हर्बर्ट, हर्बर्ट क्या कहते हैं कि एजुकेशन हैज नो टाइम टू मेक हॉलीडे टिल ऑल द फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आर वंस फॉर ऑल क्लियर्ड अप। कह रहे हैं शिक्षा के पास तब तक छुट्टी मनाने का समय नहीं, मतलब तब तक शिक्षा को कार्यरत रहना होगा जब तक कि सभी फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर नहीं हो जाते। यानी कि फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस ने हमको बताया ये सॉल्यूशन है, और शिक्षा उसको एक्चुअल प्रैक्टिकल करके प्रोपेगेट करती है, हासिल करती है, फैलाती है। कंक्लूड कर लीजिए, जॉन एडम्स ने कहा कि एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। एडम्स कहते हैं कि शिक्षा जो है वो फिलोसफी का डायनेमिक साइड है। नन कहते हैं एजुकेशनल एम्स आर कोरिलेटिव टू आइडियल्स ऑफ लाइफ। डी कहते हैं कि एजुकेशन इज द लेबोरेटरी इन विच फिलोसॉफिकल डिस्टिंक्शंस बिकम कॉन्क्रीट एंड टेस्टेड। वो कह रहे हैं शिक्षा ही वो प्रयोगशाला है जहाँ पे दार्शनिक जो डिस्टिंक्शंस हैं वो कॉन्क्रीट फॉर्म में आते हैं, टेस्टेड होते हैं, उनकी परीक्षा ली जाती है, उनकी जाँच की जाती है, और एजुकेशन ही वो लेबोरेटरी है। तो उस तरह से आप कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन की आपस में एक दूसरे पर क्लोजली इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है। फिलोसफी के बिना शिक्षा का कोई रोल नहीं है, क्यों? क्योंकि शिक्षा को पता ही नहीं चलेगा, ब्लाइंड एफर्ट हो जाएगी, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। और शिक्षा ना हो तो दर्शन बेकार है, क्योंकि दर्शन ने बता तो दिया है वहां तक जाना है, पर एक्चुअली दर्शन नहीं जाएगा, जाएगा कौन? शिक्षा माध्यम से, किसके? कंटेंट के माध्यम से, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, टेक्स्ट बुक के माध्यम से। ओके, तो एजुकेशनल फिलोसफी क्या हुई? कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल इन द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस व्हिच डायरेक्ट द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स द एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। सो बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, आई थिंक वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। डिपेंडेंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलोसफी एंड डिपेंडेंस ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशन। तो डिपेंडेंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलोसफी में तीन पॉइंट्स हैं, क्या कौन कौन से पॉइंट्स? और भी हेडिंग्स हो सकती हैं, पर इतने से आपका काम चल जाएगा कि शिक्षा, दर्शन ही शिक्षा को बताता है कहाँ जाना है, दर्शन ही शिक्षा के सभी आस्पेक्ट तय करता है, और सभी महान दार्शनिक महान शिक्षाविद भी हुए हैं। और दर्शन की किस प्रकार से शिक्षा पर निर्भरता है कि जो एम को अचीव करने का तरीका शिक्षा ही है,
और बिना, और वो जो दर्शन शिक्षा है वो क्या है, दार्शनिक जो पक्ष का, दर्शन का गत्यात्मक पक्ष। तो मतलब हासिल करना क्या है, दर्शन ने बताया, हासिल करता कौन है, शिक्षा करती है। तो दोनों ही एक दूसरे पर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो डोंट गेट कंफ्यूज एंड राइट इट प्रॉपरली इन योर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।